हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास और आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 5 शेप। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक एंड नोटबुक ओपन कीजिए। बच्चों, जो हम ये वर्क दे रहे हैं आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ओके? तो चलिए सबसे पहले डेट मेंशन कीजिए और आज आपको यहाँ पर कुछ शेप्स दिखा रहे हैं जिन्हें आपको बताना है। लिखा हुआ है ना, रेक्टेंगल शेप, ट्रायंगल शेप्स, और इनमें आपको इनकी साइड्स बतानी है, वर्टेक्स बतानी है, ओके? और कितनी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जैसे रेक्टेंगल, बच्चों रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं? यस, रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड, 4 कॉर्नर्स, ये वर्टेक्स। इसी प्रकार से 2 अपोजिट्स साइड्स आर इक्वल, ठीक है? तो 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे आप 2। इसी प्रकार से दिए गए हैं शेप ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स हैं सभी बच्चे काउंट कीजिए और लिखिए। इसी प्रकार से आप उनमें वर्टेक्स काउंट करेंगे। अब ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल हो चुका है, अब इसके बाद आप करेंगे स्क्वायर एंड सर्कल के बारे में बताना है बच्चों। तो स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स एंड स्क्वायर हैज़ 4 वर्टेक्स। इसी प्रकार से सर्कल है 0 साइड्स, 0 कॉर्नर्स। बच्चों यहाँ पर आप अपने आसपास देखते हैं कि जो भी चीज़ होती है उसका कोई ना कोई शेप जरूर होता है। तो अब आपको देखना है कि रेक्टेंगल शेप में के 2 एग्जांपल्स बताइए। जैसे रेक्टेंगल शेप में 2, फर्स्ट तो आपके हाथ में है जिसे आप कहते हैं मोबाइल, एंड सेकेंड क्या है? टेबल, ओके? इसी प्रकार से अगर हम स्क्वायर शेप के एग्जांपल्स आपसे पूछते हैं तो स्क्वायर शेप में सभी बच्चों को पता है ब्रेड है ना, ब्रेड खाते हैं, वो किस शेप में होती है? स्क्वायर शेप। इसी प्रकार से कैरम बोर्ड या चेस। और हम फिर पढ़ते हैं सर्कल, सर्कल क्या होते हैं बच्चों? यस, सर्कल में 9 साइड्स, 9 कॉर्नर। और सर्कल का शेप कैसा होता है बच्चों? मम्मी गोल गोल रोटियां बनाती हैं, चपाती, हाँ तो उसका भी होता है। सभी बच्चों को चंदा मामा बहुत पसंद है, वो भी सही। और क्वाइन है ना, रुपया तो सभी बच्चे पहचानते हैं ना, तो जो क्वाइन होते हैं वो कैसे होते हैं? 10 रुपीज़ का क्वाइन, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ क्वाइन, ये सभी कैसे होते हैं? इनका शेप होता है सर्कल। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल शेप क्या होते हैं बच्चों? ट्रायंगल शेप में बर्थडे कैप, या फिर आप देखेंगे जैसे जो ट्रैफिक साइन होते हैं वो भी ट्रायंगल शेप में होते हैं। ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं बच्चों? 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स, ओके? जैसे ये है, और इसी शेप में सभी बच्चे देखते हैं सैंडविच खाते हैं, यस। तो अब आप लोगों को यहाँ पर दिए गए जो शेप्स हैं उनमें साइड एंड कॉर्नर बताने हैं, साथ में 2-2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ओके? और ये वर्क आप अपनी नोटबुक में करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट हूज शेप इज, यहाँ पर आपको दिए गए हैं रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। तो आप जो है ये ड्रॉ कीजिए अपनी नोटबुक में और इन्हें कलर करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप रेक्टेंगल में केवल आप 4 लाइन्स ड्रॉ कीजिए, ठीक है? आप इसमें क्या मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ना, यस, 2-2 एग्जांपल्स दिए, जैसे आप रेक्टेंगल शेप में क्या ड्रॉ कर सकते हैं? एक टेबल या फिर मोबाइल या फिर बुक, ओके? इसी प्रकार से जैसे सर्कल है तो सर्कल में आप क्या कर सकते हैं बच्चों? सर्कल में आप चाहिए तो कुछ भी शेप बना सकते हैं, जैसे क्वाइन, 1 रुपीज़, 10 रुपीज़, ओके? इसी प्रकार से ट्रायंगल में भी आपको कोई 2 एग्जांपल्स बताने हैं, ठीक है? और स्क्वायर में, तो इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कीजिए और ड्रॉ करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कलर से उन्हें कलर करके सेंड कीजिए, ओके? बाय बाय, हैव अ नाइस डे।